फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है 3S फैमिली होम किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई पुलाव। तो मैंने यहाँ पर सेवई ले लिया है एक कटोरी करीब। यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्न भुट्टा और यहाँ पे मैंने लिया धनिया पत्ता, एक कैप्सिकम, दो प्याज, एक गाजर और एक टमाटर। तो चलिए पहले सारी चीज़ों को कट कर लेते हैं, इसके बाद फिर ऐसे भी प्रोसेस में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कट कर लिया है, टमाटर, गाजर, प्याज और कैप्सिकम को, और भुट्टे को भी मैंने धुल के ले लिया है। तो चलिए अभी रेसिपी प्रोसेस में चलते हैं। एक पैन पर थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें अभी हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज के साथ अभी हम डाल देंगे गाजर, क्योंकि गाजर को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। गाजर को भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है प्याज के साथ। अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए कैप्सिकम और टमाटर, इनको भी अभी अच्छे से मिला देंगे। कैप्सिकम और टमाटर को भी मिक्स कर दिया है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपको वो यूज़ करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे कॉर्न और इसको भी थोड़ी देर चलाते हुए हम पका लेंगे। तो मैंने 2 मिनट के लिए कॉर्न को भी सब्जी के साथ फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच और डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चलिए अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसालों को हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं चलाते हुए। यहाँ पे मसाला भी हमारा पक चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे सिवई और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए सेवई को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो सेवई है वो हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है बाद में, नहीं तो फिर वो चिपकने लगेगा, टूट जाएगा, सॉगी हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। लेकिन इसमें और पानी चाहिए क्योंकि सब्जी भी है हमारी, उसको भी सॉफ्ट होना है। तो मैं इसमें पूरा 1 ग्लास पानी डाल दूंगी और इसको अभी लीड लगा दूंगी। तो लीड लगाने से पहले हम इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे ताकि धनिया पत्ता भी सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अभी लीड लगा के इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो मैंने इसको लीड लगा के छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए हमारी सेवई रेडी हो गई है। तो मैंने 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है, ये थोड़ा सा अभी पानी पानी लग रहा है लेकिन इसको अभी हम छोड़ देंगे लीड लगा के और 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसका पानी जो है वो सूख जाएगा। तो चलिए 10 मिनट के लिए इसको दोबारा लीड लगा के गैस को बंद करके हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए अभी बिल्कुल ये अलग हो गया है, चिपक नहीं रहा है। तो चलिए अभी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे खीरे के साथ प्लेटिंग कर लिया है। सिवई पुलाई हमारे रेडी हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।